Hey guys, I'm Rikshit and welcome to my YouTube channel. How are you? तो आज अपन आ गए हैं बुकोवेल में. Already बुकोवेल में है. बस में आ गए थे, उसकी वीडियो मैं आगे डाल दूंगा या उससे पहले वाले शॉट में आपको देखी जाएगी. तो अभी अपन चढ़ने वाले हैं ये zip line वगैरह. और अगर हम पूछेंगे, मतलब कोशिश करेंगे कि स्कीइंग इतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि ना इधर ना इतने बड़े पहाड़ है और उसमें तो सीधी स्कीइंग है. मैं वही कैसा पड़ गया सिंचन में दिखा रहा हूँ, गोल गुलाटी मारते नीचे पड़ेंगे तो वैसा सीन हो रखा है. तो इसलिए उनसे एक बार बात करके देखेंगे, अगर स्कीइंग हमारे साथ कोई साथ में भेज देगा कोई बंदा तो. मतलब पूछना है, अभी बस इंट्रो दे रहा था तो ऐसा मौसम है, इधर चीज दिखाई जाए एक बार. इधर आ गया, ये झील है इधर और उसका ये जिप लाइन वगैरह में अब जाके देखते हैं और देखते हैं बाकी सब क्या क्या कुछ होने वाला है. जो जो करूँगा आपको दिखता रहेगा. चलो शुरू. तो बस यार, आप अभी बुकोवेल की तरफ जा रहे थे, ये रास्ता था, तो मैंने टाइम लैप शुरू कर दिया था ताकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए. और भाई साहब, मौसम बहुत एक नंबर हो रखा है, जैसे आपको दिख भी रहा होगा. ओहो, ये देखो अपन जन्नत में आए हुए, अभी इस पे बैठा हूँ. डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा. वाह, ये देखो, ये हम ऊपर जा रहे हैं, मजादी लाइफ. भाई मैं पहली बार कर रहा हूँ, इतना एक्साइटेड देख के मत कहना कि पागल हो रखा है. बिना बात आँख में स्नो गिर रही है और स्नो भी है साथ की साथ. ये जन्नत पहाड़ हमारे हैं, वो अल्लाह है तो. हेलो हेलो, हम चल रहे हैं. ये देखो, डंडा सा पकड़ रखा है बस. ओ यार, इस पे बैठ गया काफी ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि यार देखो आपको ना ये थोड़ा सा डंडा सा दिख रहा होगा बस. और मतलब यार मेरे को सेफ्टी इसमें ना इतनी खास नहीं लग रही. और ये देखो लेफ्ट साइड में जो ये रोलर कोस्टर दिख रहा है ना, आप इसमें भी गए जाएंगे थोड़ी देर में. तो अभी ये पास धीरे धीरे सब कुछ एक सेकंड में थोड़ी ऊपर उतर जाएंगे, ये हमें पहाड़ पे उतार देगा. और उसके बाद हम जो भी देखेंगे, मतलब आपको बताते रहेंगे क्या क्या एक्टिविटीज है ऊपर. और यार काफी ऊपर पहुंच गए थे, देखो मेरी तो सच में फटी हुई थी उस टाइम पे. तो मैं ना ये ना वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि ना म्यूजिक चला हुआ था, पूरा पार्टी का माहौल था उधर. देख लो इतनी ऊपर तक अगर म्यूजिक की आवाज आ रही थी तो भाई साहब बहुत क्लासिक माहौल हो रखा था. और अभी ऊपर जा रहे हैं वैसे तो. और भाई साहब, हाँ भाई अंकल तू पकड़ ले, निपट जाएगा नीचे. भाई साहब बड़ी मुश्किल तो पहुंचा हूँ. मैं 100-200 बाल तो ले लो, वो वाला सच में काम हो गया था. देखो दिखाता हूँ, क्योंकि ये देख कड़े तो नीचे कहाँ से आए थे. ओ भाई साहब, अभी तो सोच रहे रोलर कोस्टर और करेंगे. भाई मैं वीडियो नहीं बना रहा था, मैं सारे तो नहीं करता. मैं वीडियो बनाने के चक्कर में सब कुछ कर गया. जन्नत में अभी अपा. अभी एक दो चीज और देखते हैं, मेरे ख्याल से जिप लाइन वगैरह ढूंढता हूँ. मतलब जिप लाइन नहीं, सॉरी, रोलर कोस्टर ढूंढेंगे सबसे पहले, रोलर कोस्टर करेंगे. ओ चलो चलते हैं, आगे दिखाता हूँ वैसे क्या सीनरी है. ये देखो हम कहाँ गए. भाई साहब यार इधर ना, ये देखो ये सबसे कितना डिफिकल्ट है. ये देखो चलती चलती में उतारेंगे, हद है. चलती चलती में किसी का बैलेंस अभी, या जो बुढ़ी आ जाने लग रही है ना ये वाली, इसका बैलेंस भी गिर गया था, माथा लगा था धरती में. ये देखो कार रखे है, अभी सबसे ऊपर हम ही है. मैं तो ये सोच रहा हूँ जाऊंगा कैसे वापस. इतनी नीचे जा रहा है, कैमरे में इतना खास दिख नहीं रहा है. ये डेंजरस लोग है, पता नहीं बहुत दूर से आए, पता है जिप लाइन या स्कीइंग करते हुए, और आधे उधर भी जा रहे हैं.
खाने पीने का सब है इधर। मेरे को तो यूटर लग रहा है यो ना स्लांट सा है थोड़ा सा, ये ऐसे है, मैं कदा इसमें तो पैर भी सट जा उड़े नीचे जाकर रुकू, कोई जगह नहीं है बीच में रोकन की भी। वैसे मजा आ रहा है, एक नंबर का फन हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से रोलर कोस्टर करने जा रहे हैं, हमें रोलर कोस्टर करने जा रहे हैं, बड़ा संभल के जाना पड़ रहा है। ये देखो ये फिसल गया टाइम में, ये फिसल गया था। ओ यार बस मैं रोलर कोस्टर पे बैठ तो गया, और इधर ना खुद कंट्रोल करना है सबसे डेंजरस चीज। ये सब पता नहीं रशियन में यूक्रेनियन में बोल गया, कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। तो अभी शुरू बस तो यार मेरे को ना सच में इधर ना वॉइस अपनी सारी मतलब म्यूट करनी पड़ी। ये मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ क्योंकि मैं बता नहीं सकता कैसी कैसी कितनी कितनी सारे दोस्तों ने कितनी कितनी गालियाँ दी है इधर। भाई साहब जान निकल गई थी भगवान कसम, पर भाई मजाक बहुत आया, पर वर्थ इट चीज़ थी, बहुत ज़्यादा वर्थ इट चीज़ है। एक बार ट्राई ज़रूर करें अगर आ रहे हैं तो, भाई ट्राई करनी ज़रूर, बनती 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 है 100%। पर भाई मैं यूँ नहीं बता सकता मेरी कितनी ज़्यादा, पर पता है सच में यार मतलब कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार। ये जैसे इधर मोड आया ना तो मेरे को ब्रेक्स खुद मारने पड़े। वो देखो कितना क्लासिक लग रहा है इधर, ये सनलाइट गिर रही है भाई साहब, क्लासिक एक नंबर की जगह है। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, मेरा तो आज का कोटा हो गया देख पूरा। पापा आज के लिए इतना ही जोर है अभी तो, बस इससे ज्यादा अभी तो मैं सोर नहीं हो पाएगा। ओहो हो, बाकी अभी 4 दिन और हैं हम, इसलिए 4 दिन के लिए मैंने थोड़ा सा सामान बचा के रखा है, मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी और चीजें करनी अभी बाकी है, इसलिए एक दिन में सारी कर लेंगे तो फिर क्या होगा। फिर मजा नहीं रहेगा ना, तो आज कराए। और हाँ भाई एक और बात, ज्यादा महंगा नहीं था कुछ भी, ये कैसे हो गया, हाँ कुछ भी ना ज्यादा महंगा नहीं था। ये फोटो कैसी आ रही है, वीडियो कैसी बन रही है पता नहीं, ये सुनो का भी कुछ नहीं समझ आ रहा। तो अभी बस कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं, खाते पीते हैं, और कल मेरे ख्याल से हम आज बुकोवेल के अंदर है ना, तो कल शायद कहीं जाते हैं ये रमचे में ही, उसके बाद बुकोवेल आएंगे दोबारा, जो एक्टिविटी रहेगी ना वो और पूरी करेंगे। ये देखो छोटी सी लेक नहर सी या कनाड़ा है पता नहीं। बाकी एक नंबर सिस्टम है। वैसे अभी हम माल रोड पे घूम रहे हैं, इधर का माल रोड है यार, बर्फ है काफी ज्यादा। अब कोई रेस्टोरेंट वगैरह ढूंढेंगे, उसके बाद खाते पीते हैं, घर जाते हैं, नहाते नूते हैं, नॉर्मल होते हैं, यार हमसे और घूमते हैं, फिर बुकोवेल दोबारा फिर से आएंगे। ज्यादा दूर नहीं है, 40 ग्रैंड लगते आने के सिर्फ, इसलिए जब मन करे जब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं की भी। वैसे आने का कोई मूड नहीं था, ठंड लग रही थी बहुत ज्यादा, इधर मस्त हीटर चल रहा है, इसलिए हमने चॉकलेट भी ऑर्डर कर दी थी, और मेन कारण है ठंड थी बाहर बहुत ज्यादा, इसलिए हम थोड़ी सी नॉर्मल दिखाता हूँ। देखो हमने क्या दिया, दिखाते हैं हम एक सेकंड से इस साइड कर देता हूँ। ये वैसे यूक्रेन में कीव है, ये जो लिवी है ना, ये हैंडमेड चॉकलेट्स, ये सबसे फेमस है, ये दिख रही है, ये आइसक्रीम दी वॉलनट्स है इसके अंदर, ये जन्नत, मैंने ये मंगवाया, और एक ये बर्फी मंगवाई है, वाइट चॉकलेट की बर्फी बोल रहा था वो, ये बस वाह, आइस स्केटिंग हर जगह है। सूरज भी आ गया, स्नो भी गिर रही थी 5 मिनट पहले, सारे सीजन दिखा दिए, यूक्रेन डेंजर जगह है। और हाँ तुम्हें एक और चीज बताऊं, जो ये है ना इधर,
इधर इनका ना कोई डे होता है, वो देखो वो दिख रखा जी जीसस क्राइस्ट का, इधर ना लोग नहाते हैं इतने ठंडे पानी में, सोच के देखो बर्फ जमी पड़ी है। ये ऐसा माना जाता है इनके लिए जब ये उस डे पे कि जो भी पाप करे हो वो ठीक है मतलब धुल जाते हैं, वो ही सब अपना गंगा वाला सिस्टम है। वैसे माहौल हो रखा है क्लासिक एक नंबर का। बस आज के लिए इतना ही था, अब पापा बस पकड़ेंगे घर पे की तरफ जाएंगे और बाकी जो कुछ होगा कल का कल दिखाएंगे, और अगर शाम को कहीं गए तो शाम की बात, शाम पे गई बात। यार बड़ी ठंड है ब्रो, बड़ी ठंड है। ये देखो ये इधर मस्त खाने पीने की जगह है, हमने भी कुछ ट्राई करने के लिए मंगवाया है इनका क्रिसमस ट्री। जगह कौन सी है पर है क्लासिक, तो हमें इतनी सारी दुकान दिखाई जाए एक बार, इतनी सारी दुकान में हमें बस एक जगह अच्छी मिली तो हमने अपने मतलब का सामान लिया है। मम्मी को आगे आराम से सीख रहे हैं ठंड के अंदर, और अभी अनपैकिंग करते हैं हम। ये दिखाया जाए ये क्या है, अब यूं नहीं पता इसको तो बोलते क्या है, पर ये लिया भाई। 100 ग्रेवन का है, इसके अंदर सुलूगनी है और चीज वगैरह कुछ है। ले ट्राई करते हैं, शक्ल दिखाई जाए, एक्सप्रेशन दिखाए जाएंगे कैसा है। गजब है, 100 ग्रेवन वर्थ इट है। बस आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, सीनरी देखो बस, ये देखो ये सारे विलास या कॉटेजेस होंगे, क्लासिक ऐसे व्यूज। आज के लिए इतनी दिखाता है, अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बाकी का कल के जो एक्टिविटीज होगी वो करेंगे, क्योंकि आज हम छोड़ है सारी एक्टिविटी नहीं करके आए, क्योंकि आज 3:30 हो गया, फिर जल्दी जल्दी के चक्करों में सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है, उसमें सारे फन नहीं ले पाते अब। तो क्योंकि हम 3-4 दिन ऑलरेडी है इधर, तो आप टाइम लगाएंगे पूरा और आराम से यूनिवर्सिटी जल्दबाजी में सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले, आराम से करेंगे। अब देख 3:30-4 के आसपास टाइम हो रखा है, मैंने देखा था अभी घड़ी तक कोई बांध रहा है, पर हाँ 3:30-4 7:30 की आखिरी बस है। हाँ मैं ना इधर, हाँ भाई इधर है टैक्सी काफ़ी ज़्यादा महंगी, तो अपने को आना पड़ता है बसेज वगैरह में अगर आएंगे ना। और मैं तो यूँ कह रहा हूँ अगर किसी को सब कुछ बहुत इजीली और एक दिन का 2 दिन का टूर बना के आना है तो उसे ले लेना चाहिए कोई एजेंट टाइप, इधर मिलते हैं सारे घुमाने वाले लोग, मिलता है इधर, वैसे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की। पर हाँ जो हाँ आराम से सलीके से काम करना चाहता है और मतलब आराम से आए जैसे 4 या 5 दिन के लिए आए ना, उसको हमारी तरह करो। अब हम रुक गए एक जगह मस्त, 401 ग्रेवन का हमें होटल मिल गया था, उसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं आ रही, अब हमने पूछ लिया लोगों से पूछते पूछते इधर तक पहुंच गए, वरना हम भी एक बार तो सोच गए थे मैं यार एक ना उधर जगह थी देख उस साइड दिखाती है। उस साइड थी, हम सोचे यार इतना छोटा बुकल, फिर लोगों से पूछा तो बाकी सब दिखा, यूं ही है एक बार बस थोड़ा सा बोलना आना चाहिए, बोलोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बाकी सब बढ़िया है। और आज की हमने इतनी एक्टिविटी करी है, रोलर कोस्टर बहुत ही डिफिकल्ट। मैं टैक्सी वाली बात बताने भूल गया, टैक्सी में मैंने कैसे किया, अब 40-40 ग्रेवन लगे सबके 40-40, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और बुकोवेल है सिर्फ इधर टैक्सी महंगी है और कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, बाकी सब सस्ता है। अब 120 ग्रेवन की एक बंदे की टिकट थी, पहाड़ के सबसे ऊपर ले गया उसमें, और उधर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, धीरे धीरे बात के हर एक वीडियो में आती रहेगी। आज की वीडियो इतनी थी, तो एंड अपना एंड करते हैं इस वीडियो का, मेहनत मेरी रहमत उसके प्यार आप लोगों का।